नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नम्रता द्विवेदी। मेरे किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पाक बनाना बताएंगे जो कि आप त्यौहार और व्रत में बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाना भी बहुत आसान होता है। पाक बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आप यहाँ पर देखेंगे। 200 ग्राम मैंने खोवा ले लिया है। काजू बादाम को मैंने बारीक कट करके ले लिया है। 1 कटोरी मैंने चीनी ले लिया है। खरबूजा का बीज मैंने ले लिया है 50 ग्राम। 1 चम्मच मैंने इलायची पाउडर ले लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे सूखी मैंने गुलाब की पंखुड़ी ले लिया है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे गैस को मैंने ऑन कर दिया है। खोआ हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे 1 कटोरी। चीनी डाल के अच्छे से इसे पहले मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे खोवा में मैंने चीनी को अच्छे से गला लिया है। इस तरीके से आप फेंट कर चीनी को अच्छे से खोवा में गला लेंगे। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये खरबूजा का बीज डाल देंगे। इलायची पाउडर डाल देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल देंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। 5 मिनट तक इसे सारी चीज़ों को डाल के इस तरीके से घोल लेंगे। अब ये तैयार हो गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब प्लेट में देखेंगे मैंने चारों तरफ से घी लगा लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। पाग हमारा बन के तैयार हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे प्लेट में मैंने इस तरीके से इसे फैला के ले लिया है। अब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कट कर देंगे। दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे व्रत में भी तैयार कर सकते हैं, किसी त्यौहार पर भी इस तरीके से पाग बना सकते हैं। प्रसाद के रूप में भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।